रमा, भीम के कॉलेज गई थी। अभी इसी गंदगी में जाकर चैन निकाल कर दो, वरना ये सारी गंदगी तुम्हारी पत्नी पर डाल दी जाएगी। हाँ, वही गई थी। रास्ते में ये मिला और बगीचे में जाके मूंगफली खाई। हाँ, कैसी है ना रे तू? वैसे तो काकी काकी करती रहती है और अकेले अकेले मूंगफली खा रही है। अगली बार आपके लिए भी ले आऊंगी, पक्का। अरे नहीं नहीं, ये डलिया अम्मा तो ऐसे मजाक करती है। अब भीम बाबू पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएंगे तब मूंगफली से थोड़े ना काम चलाएंगे हम लोग। तब तो हम लोगन के वो दावत चाहिए, बड़े लोगन की तरह, अमीर लोगन की तरह दावत है। अरे ऐसे पढ़ाई होगी? हाँ, बीवी के साथ बगीचा बगीचा तफरी करके। ये बात तो है। अरे अब शादी ब्याह हो गया तो अपना गृहस्थी संभालो, कहाँ झूठ मूठ में पढ़ाई लिखाई चक्कर में सब कूड़ गुड़गो। ऊपर भीमरमा तुम अंदर जाओ, इन दोनों को ना बड़बड़ करने की आदत है। और तुम दोनों ना अपनी गृहस्थी देखो। कौन बड़बड़ कर रहा है माँ? आप ना थोड़ा कम बोलो, समझे तुम? ये बात ठीक है कि हम सबके साथ एक एक चाल में मजबूरी में रह रहे हैं, लेकिन एक बात बताए, आज भी है तुमसे बड़ी जात के। अच्छा, किस बात की बड़ी जात हो? हाँ जरा हमें भी बताओ। देखो बड़ी जात। गांव में क्या करा तो लोगन का महिला ही धोबा सुना। तुम कौन से लोगों के गहने जेवर धोते हो? तुम भी तो लोगों के मैले कपड़े ही धोते हो। हाँ, लेकिन हमारी परछाई देख के ना तो रास्ता ना ही बदल देते है। ओ, तो तुम्हें भी ना लोग सब सिंहासन बैठा के सर पे नहीं बिठाए हुए हैं। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे चुप, चलो भूलिया घर। तुम क्यों रुक गए? बोलिए ना काका, आप भी बोलिए। जितना जहर भरा एक दूसरे के लिए मन में, सब उढ़ेल दीजिए यहाँ पर। तब तक बोलते रहिए जब तक सब कुछ किसी गंदे नाले की तरह बदबूदार ना लगने लगे। हो गया इस भीम का प्रवचन शुरू। बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, पता नहीं कब खत्म होगा। सही तो कह रहे हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ झेला है इसलिए तो बोल रहे हैं। तू भी भीमराव की जुबान मत बोलना शुरू कर दे। आप लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे ना, और यही सोचते रहेंगे कि समाज में सबसे नीचे कौन है और उसके बाद सबसे नीचे से थोड़ा ऊपर कौन है। आप लोग ये समझ ही नहीं सकते कि हम सब एक है। समझिए ना, जाति के नाम पर इंसान को बांटना गलत चीज है। एक रहिए ना, हम एक रहेंगे तो ही दूसरों को अपनी ताकत बता पाएंगे ना। और अगर आप नहीं समझेंगे ना तो हमेशा हमारे साथ सिर्फ बुरा होता रहेगा। देखो, एकत्र होकर सेना की तरह हम लोग ताकतवर नहीं हो सकते। जब ये भीमराव कह रहा था, ये बोलने में अच्छा लगता है, ये भाषण में अच्छा है, सुनने को तो अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम छोटी जात के लोग हैं और इसी को मान लोगे तो सुकून है। तुम दोनों सुकून से बगीचे में बैठकर ठाट से मूंगफली खाओगे और हम यहाँ घर में एक एक पाई की चिंता में मरते रहे, क्योंकि हम सब तो बेवकूफ है और समझदार कोई है तो तुम दोनों। और बेशर्मी की हद तो देखो, हंस हंस के बता रही थी कि पति के साथ कैसे बगीचे में बैठकर मूंगफली खाई। आई मूंगफली वाली ने खुद ही दी, हमने पैसे नहीं दिए थे। हाँ, तू तो कहीं की महारानी है ना कि मूंगफली वाले मुफ्त में मूंगफली खिला रहे थे। आदत तो हो ही गई है तुम्हारे पति को खैरात में खाने पीने और रहने की, इसलिए तो इतने साल से इस घर में रह रहा है बिना कमाए। अब तुम भी आदत डाल लो खैरात में खाने पीने की। घर की इज्जत की तो चिंता है ही नहीं। अब खड़ी क्या हो, जो सब्जी लाई हो उसे काटो और रसोई में जाके खाना बनाओ।
आपसे कुछ कहना है। इतने सालों में हमारा रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो पाया और मैं मानता हूं कि इसमें मेरी गलती रही होगी। इसके लिए आप मुझे जीवन भर माफ मत कीजिएगा, लेकिन मेरा गुस्सा मेरी पत्नी पर मत निकाला कीजिए। डांटना अलग बात होती है, आप उसे डांट सकती है क्योंकि आप उसकी सास हैं, लेकिन इस तरह सुनाया मत कीजिए। ताने अगर देने ही है तो मुझे दीजिए, उसे नहीं। अच्छा, मतलब अब मैं तुम्हारी पत्नी से भी कुछ नहीं कह सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक काम क्यों नहीं करते, इतने बड़े हो गए हो, अब घर से अलग क्यों नहीं रहते? अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ, कुछ नहीं कहूंगी मैं। सौतेले बेटे हो ना, शायद इसलिए मेरा दुख समझते नहीं हो। अपने बेटे होते तो शायद समझ भी लेते। आज अगर भीमाबाई जिंदा होती तो वो भी इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करती कि इस उम्र में भी उसका पति कमा रहा है, एक और बेटा कमा रहा है और दूसरा बेटा पैसे उड़ा रहा है। नहीं, मैं पैसे उड़ा नहीं रहा हूं। जिसे तुम पढ़ाई कहते हो ना, वो अब हमारे लिए पैसे उड़ाना ही है। अपनी पत्नी को लेकर हमसे अलग रहकर देखो तो पढ़ाई करना और पैसे उड़ाना एक ही लगने लगेगा। अपनी पत्नी को लेकर हमसे अलग रहकर देखो तो पढ़ाई करना और पैसे उड़ाना एक ही लगने लगेगा। फिर ठीक है, अलग ही रहेंगे, लेकिन तब भी आप देखिएगा, मेरे लिए पढ़ाई करना पैसे उड़ाना नहीं बल्कि पढ़ाई करना ही रहेगा। आज अगर भीमाबाई जिंदा होती तो वो भी इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करती कि इस उम्र में भी उसका पति कमा रहा है, एक और बेटा कमा रहा है और दूसरा बेटा पैसे उड़ा रहा है। अपनी पत्नी को लेकर हमसे अलग रहकर देखो तो पढ़ाई करना और पैसे उड़ाना एक ही लगने लगेगा। उनको देखा क्या? घर में नहीं है। नहीं तो? अरे डलिया अम्मा कह रही थी कि भीम को अभी कहीं बाहर जाते हुए देखा। बहुत उदास था, कुछ हुआ क्या? घर में सबसे आराम से तो वही रहता है, फिर भी उदास है। अब इसमें कोई क्या करे। लाओ इधर चाय, काम पड़ा है बहुत रसोई में, जाके करो। ना ही आए लौट के तो समझूंगी ऊपर वाले ने सुन ली मेरी बात। राम जी, तुम्हें नहीं लगता कि अपने एक बेटे की पढ़ाई के लिए तुम बाकी लोगों की ख्वाहिशों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? भीम राव के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते निभाते अपने घर वालों के कर्जदार हो रहे हो। सोचो, जिसके गले से ये चैन उतरवा कर लाए होंगे उसका कर्जा कैसे चुकाओगे? मरने से पहले सबका कर्जा चुका दूंगा। मेरे जाने के बाद दुनिया ये कभी नहीं कहेगी कि रामजी सकपाल ने अपने एक बेटे भीम के लिए बाकी लोगों के साथ गलत किया। तुम नहीं मानोगे रामजी, लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो शायद ये कभी ना करता। सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है, प्राथमिकताएं होती है, और मेरे लिए भीम की पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे इच्छा राम जी। धन्यवाद सेठ।
भीमराव गुरुजी नमस्ते गुरुजी क्या बात है कुछ परेशान लग रहे हो आओ बैठो बैठो पैसे देते हैं वरना यहीं पर तेरी जान ले लेंगे अपनी जान दे दूंगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा मेरे बेटे के किताबों के पैसे अच्छा तू ऐसा नहीं मानने वाला अचानक से आ गया तो अच्छा हुआ ना नहीं तो ना जाने क्या हो जाता और राम जी दोस्ती का मतलब भी तो यही होता है कि दोस्त को मुसीबत से बाहर निकालना और अब तो मैं यहां से वापस जाने के लिए आया भी नहीं हूं मतलब सतारा में क्या करूंगा अब तुम मुझे यहीं कोई काम वाम दिला दो यहीं काम करूंगा लेकिन कुछ नहीं अब बस यहीं रहूंगा बात खत्म ठीक है फिर चल पहले भीम की किताबें खरीदते हैं चल रुक मैं उठाता हूं चल भीम ये तो तुम अच्छे से और पहले से जानते थे कि तुम्हारे पढ़ाई के बीच कई मुसीबतें आएंगी तो फिर आज इतने परेशान क्यों हो गुरुजी मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं बाबा से दूर रहूं लेकिन क्या करूं अब सिर्फ मेरी बात नहीं है मुझे कोई भी कुछ भी बोल देगा तो मैं सुन लूंगा बर्दाश्त कर लूंगा शायद मुझे बुरा भी नहीं लगेगा लेकिन रमा मेरी पत्नी है गुरुजी उसके प्रति मेरी जिम्मेदारियां भी तो है ना प्रणाम गुरुजी प्रणाम पुरंजन काका खुश रहो बेटा आप कब आए बस बेटा जब से तुम लोग सतारा छोड़कर आए हो ना मेरा भी मनमान नहीं लगता है इसलिए मैं यहाँ आ गया भीम बेटा वो सब छोड़ो ये देखो तुम्हारी नई किताब है एक बार देख लेना जो जो तुमने कहा था वो सब है ना अगर कुछ बचा है तो वापस जाकर बाजार से ले आऊंगा ठीक है ना राम जी भीम के पढ़ाई के लिए आप कब तक मेहनत करते रहेंगे मेरी समझ से आपको अभी आराम करना चाहिए भीम से भी पूछिए उसे भी कहिए कि ये भी कुछ काम करे कुछ साल और पढ़ लेगा फिर तो जीवन भर काम ही करना है फिर करूंगा ना आराम भीम बेटा सारी किताबें देख ली ना कुछ कमी तो नहीं है नहीं काका सब बराबर है लाओ भीम बेटा सारी किताबें दे दो हम लोग घर लेकर जाते हैं तुम आराम से आओ
नहीं नहीं काका, मैं ले आऊंगा। दो बेटा। नहीं बाबा, ठीक है। दो बेटा। भीम बेटा, बस अपने पढ़ाई का वजन उठाओ, बाकी कॉपी किताबें जिंदगी सबका वजन उठाने के लिए हम हैं ना। हाँ बेटा, और हम सब इतने बूढ़े भी नहीं हुए तुम्हारी चार किताबों का वजन ना उठा सके। आता हूँ गुरु जी, आता हूँ बेटा। हाँ बाबा। भीम, मैंने बहुत से लोग देखे, पति पत्नी दोनों महीने के तीन आने में भी रहते हैं, किंतु जीवन का भार बांटने वाला उनके पास कोई नहीं रहता है। तुम भी अपने पिता को अलग छोड़कर अपने पत्नी रमाबाई के साथ रह सकते हो, परंतु ये जो राम जी जैसे पिता है ना, उन्हें छोड़कर रहोगे तो जीवन बहुत भारी लगने लगेगा। बजाओ। ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। गए थे घर से? पहली बार थोड़ी गया था घर से बाहर, रोज जाता हूं ना, वैसे आज गया था। देखो रमा, सब लोग सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। जाओ। नहीं सो सकती और ना ही आपको सोने दूंगी। बताइए ना, आप क्यों उदास थे? किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे आपके उदास होने से फर्क पड़ता है। रमा, तुम्हें क्या बताऊं मैं, बेवजह तुम परेशान होगी। बताइए ना। नहीं, ऐसी कुछ भी बड़ी बात नहीं थी रमा, तुम प्लीज सो जाओ। प्लीज मतलब? प्लीज, प्लीज मतलब कृपया सो जाओ। जाओ। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताइए। किस बात के आप पति और किस बात की मैं पत्नी, जब एक दूसरे से बात छुपानी ही है तो। आओ। देखो रमा, आज तुम्हें बुरा कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं ये सोचकर घर से बाहर निकला था कि मैं तुम्हारे साथ इन सबसे अलग होकर रहूंगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं परिवार से अलग नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें रख सकता हूं। बस यही बात थी और कुछ नहीं। क्या कर रही हो? जब मेरी आई मर गई थी तो मैं मेरे नानी के घर रह रही थी, और वहाँ जब किसी बात को लेकर मैं उदास होती थी तो नानी भी ऐसे ही करती थी, दोनों हाथ पकड़कर ऐसे ही लाती थी और पूछती थी, दुख कम हुआ? तो दुख कम होता था? पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता था और दुख से ध्यान भटक जाता था। आपका ध्यान भटका?